हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ईशा जी कहिए। निशा कनौजिया। निशा राजक, हम पूरन और उसके परिवार से अलग हो चुके हैं। तो फिर मुकेश कनौजिया को कनौजिया परिवार से अलग करने का क्या कारण था? किसे सुपारी दी थी तुमने? ऊपर वाले को, भगवान को। हम भगवान से रोज यही प्रार्थना करते थे कि पूरन और उसका परिवार कभी खुश ना रहे। उन्होंने जितनी तकलीफ हमें दी है उसका पूरा हिसाब होना चाहिए और यही होना चाहिए। और देखिए उसकी शुरुआत हो गई। एक बेरहम कत्ल को तुम अच्छी शुरुआत का नाम दे रही हो निशा? आप हम लोगों पर किस हिसाब से इल्जाम लगा रही हो? आपकी बेटी का गुस्सा और नफरत खुद ही सारे गुनाह कबूल कर रहा है। मैडम, जिस तरह से दही को मथने के बाद मक्खन तैयार होता है ना, उसी तरह सालों तक बहू को छलने के बाद ना वो तेजाब उगलती है। और ये दर्द से वही जान सकता है जिसने उसे सहा हो। जलील करके निकाला था मुझे उन लोगों ने घर से। साहब वो झूठ बोल रही है, वो खुद घर छोड़ के गई थी 2 साल पहले। तो फिर आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? रामनिहाल दीक्षित और अजय ठाकुर पर तो तुरंत उंगली उठी थी आप लोगों की। साहब, क्या पूरन भाई साहब का गुस्सा निशा दीदी ने हमारे पति पे निकाला? देखिए, इस वक्त हमें सिर्फ शक है। वैसे सुनने में आया है कि निशा की फैमिली मुकेश की मौत से काफी खुश है। अरे निशा, दूध उबल गया, कहाँ चली गई तू? आई। माँ जी, इस पतीले पे लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ। ओ महारानी, काम काज तो होता नहीं है तेरे से, जुबान बहुत लड़ाती है तू। आप एक काम कीजिए, पूरन ही अपने लाडले मुकेश से कह के ना चश्मा बनवा लीजिए, तब आपको दिखेगा कि आपकी बहू 6 महीने पेट से है। जो औरतें पेट से होती है ना, वो ससुराल में नहीं रहती, वो मायके में जाकर रहती हैं। और तू कोई न्यारी नहीं है जो पेट से हुई है, समझी? जब हमारी माँ ही नहीं रही तो मायके कैसे जाते डिलीवरी के लिए? ये सब जानते हुए भी बस सास ताने कसती रही, पर पूरन के मुंह से अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। ऐसे का देख रही हूँ, हम नहीं पड़ेंगे तुम औरतों के झगड़े में। झगड़ा? एक तरफा हमला हो रहा है हम पर। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा पाल रहे अपने पेट में। देखो, हम और मुकेश खेतों में खून पसीना एक करते हैं, ऊपर से वो राम निहाल और अजय ठाकुर वो अलग से हमारा खून चूसते हैं। अरे अधमरे होकर घर लौटते हैं, रोटी खाकर हमको सोने दो। अरे लेकिन हम तुम्हारे ये सास बहू की नौटंकी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी मसला है आपस में निपटा लो और हमें सोने दो, बस। झेलती रही, लेकिन जब हमने बेटी जनी ना तो और नहीं झेला गया। अगर हमारी जगह कोई और होती ना तो उन तानों से जान दे देती अपनी। तो निशा, तुमने मुकेश की जान क्यों ली? बदला तुमने मुकेश से क्यों लिया? बदला लेने वाले हम कौन है? बदला तो ऊपर वाले ने लिया है उनसे। लाला जी, आप अपने किए को ऊपर वाले का फैसला साबित करने की कोशिश मत कीजिए। आप ये बताइए कि किसे सुपारी दी थी, मुकेश को क्यों मारा, और निशा तुम तो पूरन से अलग हो गई थी ना, तो फिर मुकेश पे इतना गुस्सा क्यों? हम मुकेश पे गुस्सा नहीं थे, लेकिन उन सबको उस पर घमंड था भरपूर। घमंड? हाँ, मुकेश की सरकारी नौकरी का घमंड। अब ये तेरी नौकरी हम सबकी नैया पार कराएगी। अब हमारी हालत सुधर जाएगी अम्मा। महीने का 15,000 मतलब गजब है। हम लोग खेत से 6,000 तक नहीं पहुंच पाते थे। अब पहुंचेंगे भैया, अब आप अकेले खेत संभालो और मैं नौकरी संभालता हूँ। क्या बोली? अलग घर बनाते हैं। काय? का कमी है इस घर में? इज्जत की कमी है। बात हमारी होती तो हम सहन कर लेते, पर अब बात तुम्हारी हो रही है। गोल गोल बात न घुमाओ, सीधे सीधे बोलो, क्या बात है? सीधी बात ये है कि अभी तक तो अम्मा जी सिर्फ हमें ताने देती थी, लेकिन अब हमारे जरिए वो तुमको निशाना बना रही है। कैसे? कैसे? अरे ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, अब इस बच्ची के हाथ तो मुकेश पीले करेगा, पूरन के तो बस की नहीं है। देखो बकवास न करो, तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, अभी मुकेश की शादी होने वाली है, उसकी बीवी आएगी, वो बोलेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा।
अब वो तो पीठ पीछे बोलने से रही, लेकिन जब वो तुमको, हमको और हमारी बच्ची को ताने देगी ना, तो आपके मुकेश की साझेदारी रहेगी। इस घर को तोड़ने की कोशिश मत करना, सोचना भी मत, बात भी मत करना आइंदा। अरे नहीं साहब, घर तोड़ने की बात तो वो पहले से करती आई थी, मुकेश की नौकरी लगने के पहले से। उसे छला भी बहुत पहले से जा रहा है, शादी के तुरंत बाद से। हकीकत तो यह है कि निशा हमेशा से चादर के बाहर पैर फैलाना चाहती थी, हम लोगों की जिंदगी दुश्वार करके रखी थी। निशा का विद्या से क्या बैठ था? कुछ भी तो नहीं साहब, जब निशा दीदी घर छोड़कर जा रही थी, हम पूछे थे कि क्यों वो अपने ही घर में आग लगा रही है। घर क्या होता है विद्या, तलवार की मियान होती है, जिसमें दो परिवार साथ साथ नहीं रह सकते। लेकिन दीदी, हम दोनों में तो कोनो बैर नहीं है ना, और पूरन भैया और मुकेश जी में बहुत प्रेम है, उन दोनों को ऐसे अलग मत कीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। ऐसा अब इतना मीठा बनने की कोशिश मत करो विद्या, जितना घमंड अम्मा जी को मुकेश की नौकरी और उसकी तनख्वाह पर है ना, उसका डबल तुमको है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दीदी, दीदी छोड़िए ना, मत जाइए ना। हम जानते हैं विद्या, तुमको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है हमारे जान से, क्योंकि अब रोज ताने सुनने के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन अब हम फैसला कर चुके हैं, हम इस नौटंकी का किरदार नहीं बनेंगे, बस हम जा रहे हैं। नहीं गौरी, ओ गौरी कहाँ हो, चलो हमें अपने घर जाना है। वो विद्या तो मीठी छुरी है, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन कहर बरसाता है। और देखिए क्या हाल कर दिया उसने कनौजिया परिवार का, जिन्होंने मेरा ऐसा हाल किया था। निशा, ऊपर वाला अपनी जगह है, तुम फिलहाल उस नीचे वाले का नाम लो जिससे तुमने मुकेश पे लाठी चलवाई। लाला जी आप, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और हम तो एक दुखी बाप हैं जिनकी बेटी का घर उजड़ा उस परिवार ने। और उस परिवार को जब तकलीफ पहुंचती है ना, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, आखिर उन्हें भी तो पता चले बेसहारा होने का दुख क्या होता है। दुश्मनी हमसे थी तो हम पे निकालती, हमारे निर्दोष भाई ने निशा का क्या बिगाड़ा। पूरन का कहना है कि उसने निशा को कई बार बुलाने की कोशिश की, पर वो जिद पे अड़ी रही कि उसे एक अलग घर चाहिए। पिछले साल ही डिवोर्स हुआ, पूरन ने निशा को एलिमनी भी दी थी, जो कि देने में मुकेश ने मदद की होगी। सर सर, ये निशा, इसके अंदर कनौजिया परिवार को लेकर इतना कूट कूट के गुस्सा भरा हुआ है सर, स्ट्रॉन्ग डाउट आ रहा है, जरूर निशा ने कोई गेम खेला है। अगर गेम खेला है तो और खिलाड़ी भी होंगे। मम्मी मुझे और दाल चाहिए। निशा, उसके पिता और उसका भाई, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। यस सर। वैसे एक बात खटक रही है, पूरन ने अजय और रामनिहाल का नाम झट से लिया, लेकिन निशा के नाम पर वो खामोश रहा। यस सर, काफी चौंकाने वाली बात तो है ये। सर ये निशा और पूरन हमारे सामने तू-तू मैं-मैं तो कर रहे, पर शायद इनके रिश्ते की असलियत कुछ और ही हो। विद्या, डॉक्टर ने विटामिन की दवाई दी है, खाने के बाद खाना है, भूलना मत, अपना ख्याल रखना विद्या, बच्चे पे कोई आंच ना आए। पूरन, कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा की बद्दुआएं वाकई हमारे घर को लग गई हो? आप बार बार पूछ रही थी इसलिए एक बात याद आई, मुकेश कनौजिया की। कैसी बात मनीष? मुकेश की तरह ही एक और सफाई कर्मचारी है, दिनेश पाल, जो मर्डर के दिन छुट्टी पर था। इस मुकेश कनौजिया और दिनेश पाल के बीच में कोई झगड़ा था क्या? मैडम सामने से कभी कुछ नजर नहीं है, बस मैं ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर अपडेट कर रहा था तो देखा मैंने, सोचा आपको बता दूं। थैंक यू मनीष। साहब वैसे तो इस बात में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन एक खटकने वाला इत्तेफाक है साहब। बाबा निगम नाम है? हाँ, इसी नाम से फेमस है। अरे भैया, वो जो गांव के बाहर बरगद का पेड़ है ना, निगम बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। बाईस तारीख को बाबा यहाँ से निकले? हाँ,
अरे बाबा जब गांव से जा रहे थे तो मैं मिला था उनको। प्रणाम बाबा। हरिओम। बाबा इधर कहाँ जा रहे हैं? जहां तक दिल कहेगा चले जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर चल पड़ेंगे। हरिओम बाबा। मतलब माधवगंज उनका परमानेंट ठिकाना नहीं है? अरे भैया किसी ने बाबा को पेड़ के नीचे बैठे देखा, फिर क्या बात फैल गई। अब सब लोग आ गए चढ़ावा लेकर के, परेशानी बताने लगे बाबा को, बाबा ये बाबा वो। गांव में सब जानते हैं इस बाबा को, गांव का हर आदमी एक ना एक बार तो जा ही चुका है इस बाबा के पास। शादी, बच्चा, भूत प्रेत, प्रॉपर्टी, हर रोग की दवा है इस बाबा के पास। हरिओम। हमारी नज़र में आया क्या है कि बाबा इस गांव का नहीं है, बस अचानक आता है, दरबार लगाता है और अचानक ही गायब, और उसी दिन गायब जिस दिन मुकेश मारा गया। तंत्र मंत्र का चक्कर बोल रहे हो, ये निशा की फैमिली उसके पास गई हो सकती है? अब हो सकता है ना साहब, लेकिन साहब आप उसे ढूंढोगे कैसे? मोबाइल वोबाइल तो रखता नहीं, जहां भी जाना बस पैदल ही चल देता है। जादू से अगर हवा में भी गायब हो जाए ना तब भी उसे ढूंढ लेंगे। दिनेश पाल 22 अगस्त को पूरा दिन रत्नापुर में था। यस सर, मेरी बात हुई है। सुबह सुबह ये चौरीपुर से रत्नापुर के लिए निकला था। बीच में बंदीपुर भी पड़ता है जहाँ पे मुकेश का मर्डर हुआ था। सर टाइम भी मैच होता है। अजय और रामनिहाल के पास भी कोई ना कोई बहाना जरूर होगा। सर इसका तो पता नहीं, अभी बात नहीं हुई है, बट सर मर्डर के दिन क्राइम सीन से होकर गुजरना, इन्वॉल्वमेंट की तो पॉसिबिलिटीज हैं। सर निशा और उसकी फैमिली के फोन रिकॉर्ड चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। ये हमारे सस्पेक्ट लिस्ट की टॉप पर है, नजर रखो इन अजय और रामनिहाल पर भी। सब दिनेश पाल को भी स्कैन करते हैं, जान लेने जैसा क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच, और ऊपर से ये बाबा निगम का इनका ये काम करते हैं, इन दोनों पे काम करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। उस दिन जब हमारी बात हो रही थी मुकेश कनौजिया के बारे में, तुमने बताया नहीं कि मर्डर के दिन तुमने छुट्टी ली थी। वो हमारा एक पर्सनल काम था रत्नापुर में। जी जी जी। सुबह 8 बजे जब बंदीपुर के रास्ते में मुकेश का मर्डर हुआ, तुम भी वहीं से गुजर रहे थे? नहीं मैडम, हम तो 7:30 बजे बंदीपुर क्रॉस कर गए थे, और मुकेश तो करीबन 8 बजे वहां से गुजरा था। ओह, यानी तुम्हें पहले से पता था उसकी दिनचर्या के बारे में कि वो कितने बजे कहां से गुजरता है, तुम पहले से इंतजार कर रहे थे उसका। नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं, हम तो अपने काम से गए थे वहां पर। रत्नापुर में क्या काम था? पर्सनल काम से गया था। पर्सनल काम का नाम भी होगा ना, तुम नहीं बताओगे तुम्हारी बीवी से पूछ लूं? अरे नहीं नहीं मैडम। क्या नहीं, तुमने तो अपनी बीवी को बताया नहीं कि तुमने छुट्टी ली है, रत्नापुर गए हो। उस बेचारे ने तुम्हारे दफ्तर के लिए डब्बा भी पैक करके दिया था। डब्बा लेके दफ्तर ही तो जाएंगे ना मैडम, बात का है। रत्नापुर में है कोई आपका जानने वाला? रत्नापुर में नहीं तो मैडम, आखिर बात का है? बात कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जानना था। उस दिन सुबह ऑफिस में टेंशन चल रही थी, तुमने छुट्टी ली थी, मुकेश रिपोर्ट नहीं कर रहा था, सफाई कर्मचारी कोई था नहीं ऑफिस में। मैडम आप गलत दुआ दो चार कर रही हैं, मुकेश दोस्त था हमारा, उसके मर्डर में हमारा कोनो हाथ नहीं है। मैंने तो ऐसे कुछ कहा ही नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ दिनेश रत्नापुर में क्या है, कौन है उधर? पाऊजी, पाऊजी वो पुलिस के खबरी पूछताछ कर रहे हैं। किस बारे में? कि हम निगम बाबा से कितनी बार कब और कैसे मिले। निशा दी, हमको मुकेश की मौत की इतनी ज्यादा खुलकर खुशी नहीं मनानी चाहिए थी। जो बात दिल में थी वो बस जुबां पे आ गई। पुलिस को जो करना है कर ले, जब हमारा उस परिवार से कोई लेना देना ही नहीं तो
डरने का क्या मतलब? निशा बेटा, माना कि उनको तकलीफ हुई तो हमें सुकून मिला, लेकिन क्या उनकी तकलीफ में हमारा कोनो हाथ था? आप हमसे पूछ रहे कि हम मुकेश को मरवाए? नहीं बाबूजी, हम मुकेश को नहीं मरवाए। ये है निगम बाबा, हम हमारी पूरी फैमिली के साथ गए थे इनसे मिलने और तब लिए थे फोटो। ये पूरा ना मुकेश है ना, इसको हम बचपन से ही जानते हैं। इनका बाप बचपन में ही गुजर गया था। हम निशा को भी जानते हैं जिसका पूरन से तलाक हो गया है। हम विद्या को भी जानते हैं जो मुकेश की पत्नी है। अरे यार, जो तुम सवाल किए हो विद्या के बारे में, कोई भी सुनेगा तो हिल जाएगा। विद्या तो मुकेश की पत्नी थी ना, उसका पहला बच्चा भी होने वाला है, फिर वो कैसे मुकेश को? रामाधार बाबू, वो कहते हैं ना, प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है, फिर अवैध प्रेम भी तो प्रेम ही होता है ना। पर वो दोनों तो भाई थे, पूरन मुकेश, उनके बीच रिश्ते भी काफी अच्छे थे, उनके बीच में त्रिकोण मुश्किल लगता है। दिनेश, सबसे पहले हमें तू ये बताएगा कि तू रत्नापुर क्यों गया था, उसके बाद हम उसका पुष्टिकरण करेंगे, फिर तुझे हरी झंडी देंगे कि तूने मुकेश कन्नौजिया का मर्डर किया है या नहीं किया है, वरना हम समझेंगे कि तुम दोनों की कोई दुश्मनी थी, इस वजह से तूने मुकेश कन्नौजिया को मार डाला, शायद उसके फोन में कुछ था, क्योंकि वही एक चीज है जो गायब है। सर, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी मुकेश से। तो फिर हमारे साथ क्या दुश्मनी है जो बता नहीं रहा है कि रत्नापुर क्यों गया था? कत्ल हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस लीड नहीं है। ये बाबा कत्ल के दिन से गायब है। साहब, ये जो बाबा निगम है ना, ये जादू टोने वाला बाबा है, ऐसे लोगों को पकड़ना मुश्किल नहीं होता, मक्खी की तरह पब्लिक पहुंचती है इनके पास। तुम भी पहुंचाओ जल्द से जल्द यहाँ से बधोई तक, जितने भी गांव, जितने भी कस्बे हैं, हर जगह तस्वीरें फैला दो। आरती, आरती नाम है उसका। आरती क्या? पूरा नाम, फोन नंबर, एड्रेस? मैडम, वो शादीशुदा है। शादीशुदा तो तू भी है? तभी तो मैडम, सब उसका पति किसान है, भदोही खाद लेने गया था तो आरती ने हमको घर बुला ली, उसको ना घसीटो साहब, इसमें मेहरबानी होगी आपकी। पता करो रत्नापुर में आरती से मिलने गया था या नहीं। क्या एड्रेस लिख? सर लेख मैडम, मैडम साहब, सब सीधी साधी औरत, घर पर पुलिस पुलिस जाएगी तो उसका पति को पता चल जाएगा, बवाल हो जाएगा साहब, हम दोनों की जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी साहब। जब पता है नतीजा इतना भयंकर हो सकता है तो अफेयर करते क्यों? करते कहाँ है साहब, हो जाता है, आइंदा नहीं करेंगे साहब। क्या आरती मुकेश को जानती थी? नहीं साहब, वो हमारी दोस्त है। दोस्त? सुनो, तरह जी रत्नापुर के हो? हाँ, क्या काम है? कोई आरती कुशवाहा रहती है यहाँ पे? हाँ रहती तो है। घर जानते हो उसका? हाँ पता है। जाओ बुला लाओ उसको। क्यों? काम है, जाओ बुला लाओ। अच्छा सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस आई है आरती से मिलने, ठीक है? जी हम आरती। आरती 22 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दिनेश पाल तुम्हारे साथ था, तुम्हारे घर में। आरती देखो, हम तुम्हारे अफेयर की बाल की खाल करने नहीं आए, सिर्फ इतना बताओ कि दिनेश पाल तुम्हारे साथ था या नहीं। सुबह से लेकर शाम तक किसे मुकेश कन्नौजिया को जानती हो तुम? जी वो कौन है? दिनेश के साथ काम करता था, 22 अगस्त को बंदीपुर के रास्ते पे उसका कत्ल हो गया है। हमने सुना तो था पर बता नहीं वो कौन है। दिनेश ने कभी नहीं बताया तुम्हें? वो उस दिन के बाद से मिली नहीं।
सर आरती ने कंफर्म तो किया कि दिनेश उसके साथ था, लेकिन मुकेश का नाम सुनते ही हड़बड़ा सी गई। सर शायद मुकेश को जानती हो। सब कह तो रहे हैं कि मुकेश सही और सीधा आदमी था, पर हो सकता है दिनेश और आरती को मुकेश से कोई खतरा हो। उसका फोन भी गायब है। सर ब्लैकमेल वाला एंगल, क्या मुकेश दिनेश और आरती को ब्लैकमेल कर रहा था? क्या उनका कोई वीडियो क्लिप या कोई फोटोग्राफ था उसके फोन में? ब्लैकमेल से तंग आकर ब्लैकमेलर का कत्ल। अरे नहीं नहीं साहब, आरती बिल्कुल नहीं जानती मुकेश को। तो मुकेश कन्नौजिया के फोन में क्या था? ऑफिस का किसी का कुछ जो मुकेश कन्नौजिया जानता था, जिसकी वजह से उसे मार डाला और वहां से उसका फोन गायब कर दिया? नहीं सर, हमको कुछ नहीं मालूम सर। अरे उस दिन हम छुट्टी लेकर आ गए, हम पूरा फंस गए सर। आरती के पति को पता चल गया तो वो भी तकलीफ में आ जाएगी सर। मर्डर हुआ है दिनेश, और हम कल्प्रिट की तलाश कर रहे हैं मुकेश कन्नौजिया के मर्डर में। जिंदगी तकलीफ में नहीं, बल्कि जिंदगी खत्म हो गई है। हमने निशा और उसके परिवार पर 24 घंटे निगरानी रखी। निशा के भाई बनवारी की मोटी बैकग्राउंड फाइल बनी, एक एक डिटेल एंटर। पूरन और विद्या के एंगल पर भी उतने ही जोश से लगे रहे। क्या यह कन्नौजिया खानदान के घर के अंदर रचा गया षड्यंत्र था? हमारे पहले मुख्य आरोपी रामनिहाल और अजय को भी हमने रडार से बाहर नहीं जाने दिया, और मुकेश कन्नौजिया का कली दिनेश पालपर से भी नजर हटाई नहीं गई। सर 2 महीने हो गए और मई के मई बटवे से जो 200 रुपए निकाले गए, अगर हम उसे छोड़ दें तो अटैक के बाद सिर्फ फोन चोरी हुआ, जो अभी तक ऑन नहीं हुआ। मैंने पूरन से पता भी किया था, काफी सस्ता फोन था। पर जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती है ना विक्रम, वो भी एक ऐसे आदमी की जो अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने पूरे परिवार की जिंदगी मेहनत करके संवारने में लगा हुआ था। मुकेश एक दिन सुबह टाइम पर अपने काम पर निकलता है और बीच रास्ते में धड़ाम खत्म। जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं हो सकती। सर मुकेश का पहला बच्चा इस दुनिया में कभी भी आ सकता है, और उस बच्चे को हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हमने एक से एक पेचीदा केस सोल्व किया, लेकिन इस केस में एक भी मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं हुई अभी तक। आई थिंक सर हमारे सामने जरूरत से ज्यादा ही एंगल आ गए हैं जिन्हें हम अभी तक टटोलते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, राम नियाल और अजय का उसके भाई मुकेश और पूरन के साथ अनबन, पूरन की एक्स वाइफ निशा का उससे गुस्सा, खुद पूरन का अपने छोटे भाई मुकेश की तरक्की से जलना, और फिर सर बाबा निगम का निशा की फैमिली के साथ लिंक, विद्या और पूरन के बीच कोई पॉसिबिलिटी, और सर दिनेश, एक शादीशुदा आदमी अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है एक शादीशुदा औरत के साथ वक्त बिताने के लिए। और इतने सारे एंगल्स में से हम एक भी इन्वेस्टिगेशन को डेड एंड से एक इंच बाहर नहीं ले जा पा रहे, वो भी पूरे 2 महीने हो गए। सर एक सजेशन है। बोलो। कुछ वक्त के लिए इस केस को बैक बर्नर पर डाल देते हैं, कुछ नहीं करते, दूसरे केसेस में लग जाते हैं। मुझे लगता है कि ये केस खुद ब खुद कोई ना कोई सुराग जरूर देगा। हम केस को बैक बर्नर पर नहीं भी डालते तो भी शायद अपने आप चला जाता, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली हमारे पास कुछ नहीं था। वो जो फोन था मुकेश का, जो आपको इस केस की नींव लग रहा था, क्या वो फोन रानी सर के बॉम्ब स्केयर में इस्तेमाल हुआ था? नहीं, दरअसल रानी सर का ये बॉम्ब स्केयर कॉल मुकेश के मर्डर से पूरे 4 महीने पहले हुआ था। इस बॉम्ब स्केयर केस का हमारे केस के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, पर हाँ एक लिंक जरूर था। डिफ्यूज हो गया? स्टील का डब्बा था, पूरा स्टेशन स्कैन किया, लगता है रॉन्ग अलार्म था। देखिए हम फिर भी रिस्क नहीं ले सकते, आप एक बार पूरा स्टेशन दोबारा स्कैन कीजिए, एक एक कोना। फिर से स्कैन करता हूँ पूरा, प्लीज। अगर किसी ने झूठा कॉल किया भी है तो हमें उस झूठे कॉल की तह तक जाना होगा विजय। बिल्कुल सर, कॉल उत्तर प्रदेश का ट्रेस हुआ है, एक टीम निकल चुकी है। केस फाइल करो, जो भी कॉलर है उसे अरेस्ट करो फौरन। ये किसी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है, या टेरर ग्रुप हो कोई। जो भी हो, हम कोई चांस नहीं लेंगे, हम उसे लाइटली में नहीं लेंगे विजय। इज दैट क्लियर? राइट सर। जो मोबाइल फोन मुकेश कन्नौजिया की किलिंग के बाद गायब हुआ था, वही फोन इस केस की अहम कड़ी बन चुका था, और वो कड़ी जब जुड़ी हम सबके होश उड़ गए। सिम नंबर 444-789-857, ये वो सिम नंबर है जो इस IMI नंबर के इंस्ट्रूमेंट पर एक्टिवेट हुआ था, जो मुकेश कन्नौजिया का इंस्ट्रूमेंट। कब एक्टिव हुआ? 1 घंटा पहले। इस नंबर की डिटेल्स कब तक भेज सकते हो? 1 घंटा दे दीजिए, फोन कंपनी से डिटेल्स निकलवानी पड़ेगी।
बृजनाथ तिवारी भदोही। कौन है? उठाओ इसे। भदोही के बृजनाथ तिवारी? नहीं, हम नहीं जानते। पुरन, तुम एक बार विद्या से भी पूछ कर देखो, क्या पता मुकेश ने कभी जिक्र किया हो। नहीं मैडम, हमें नहीं मालूम कौन है भदोही वाला बृजनाथ तिवारी, और ना ही मैडम मुकेश ने हमसे कभी जिक्र किया ये बारे में। हेलो, कौन बोल रहा है? आपने फोन किया है तो आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं। ये नंबर बृजनाथ तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है ना? जवाब तब मिलेगा जब आप अपनी पहचान करवाएंगे। देवकुंड पुलिस थाने से पीएसआई विक्रम सिंह बोल रहा हूँ, अब बताओ। सर, बृजनाथ तिवारी हमारे पापा हैं और ये नंबर हमारा है, गीता तिवारी। क्या समस्या हुई है सर? आप इस वक्त जहाँ से बात कर रही हैं वहाँ का एड्रेस दीजिए। ये पुलिस अब गीता के पीछे क्यों पड़ गई है? गीता का फोन उन्हें क्यों चाहिए? अब बता नहीं रहे हैं ना, आप बस जल्दी से आ जाइए। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये हमारे बच्चे भी ना, सच में बिल्कुल। गीता कहाँ है? फोन दो अपना। ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? हमने अपने कुंदन भैया से लिया था, आज सुबह ही लिया था। कुंदन भैया वो फोन दीजिए, हमारा फोन खराब हो गया, हमें अर्जेंट है। दिखाई नहीं दे रहा तुमको, नाश्ता कर रहे हैं। तो फोन तो नहीं कर रहे हैं ना, दो ना। पहले हमने लालू को ढूंढ के लाओ, फिर मिल जाएगा तुमको। आपका लालू भाग गया अपनी लाली के साथ, आप फोन दे रहे हैं या नहीं? फिर कभी हमको नाश्ते के बीच में से मत उठाना, समझ गई? हमने फोन चार्ज किया और अपना सिम डाल दिया। ये फोन तुम्हारे कुंदन भैया को कहाँ से मिला? पता नहीं कहाँ से मिला। कुंदन कहाँ है इस वक्त? वही नदी किनारे होंगे अपने लालू को ढूंढते हुए। ये लालू कौन है? उनका कुत्ता है, खो गया है कुछ टाइम पहले, रोज उसे ही ढूंढते हैं। इस मोबाइल फोन के मालिक का मर्डर हो चुका है, अब तो बताओ कहां से हाथ लगा ये मोबाइल फोन। बताइए ना कुंदन भैया, बता देना कुंदन। सर, ये फोन हमें हमारे लालू के बदले मिला है। कुत्ते के बदले फोन, किसने किया ऐसा? सर, पहलवान सिंह। देख कुंदन, अपना बस बहुत हो गया, तेरा कुत्ता वाकई में खो गया है, अब नहीं आएगा वो, भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे, ठीक है? लेकिन तुम उसको भाग नहीं का दिए। ये फोन बेच दे और ले ले नया कुत्ता। लेकिन हमको कोई और कुत्ता नहीं चाहिए, हमको हमारा लालू ही चाहिए। पहुंच ना, हम तेरा सर फोड़ देंगे, भेजा खा जाऊंगा तेरा, तेरा खून पी, खून खून पी। रुक रुक, ये पहलवान सिंह गांव का अखाड़ा चलाता है। सर, सारी गलती इस गीता की है, इसी की वजह से हमारा लालू खो गया। इसको कुत्ते पसंद नहीं है ना, तो इसीलिए इसने हमें हमारे घर में लालू को रखने नहीं दिया। ये कहां से उठा लाया रे कुंदन? हम लोग तालाब के पास मिले थे और वहीं हमारी दोस्ती हो गई। ये अब हमारे साथ ही रहेगा। इस घर में तो ये नहीं रहेगा। काहे? इतना प्यारा तो है, हम करेंगे ना इसकी देखभाल। आप खुद को तो ठीक से संभाल पाते, इस कुत्ते को कहाँ से संभालेंगे? कुत्ता कुत्ता क्या करती है? लालू नाम है इसका, लालू बोल। भैया, इसका नाम लालू हो, आलू हो, चाहे भालू हो, जो भी हो, पर ये घर पे तो नहीं रहेगा, और तब तक तो बिल्कुल नहीं रहेगा जब तक आप ठीक से रहना नहीं सीख लेते। ए, जाजा, तू कौन है मुझे बीच में बोलने वाली? ठीक है, फिर पापा बोलेंगे जो बोलना है। लगाए फोन पापा को अभी, लगाए। सर,
समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखें हम अपने लालू को। फिर हम अपने मामा के पास गए। इसका देखभाल कौन करेगा? ये टट्टी करेगा, पेशाब करेगा, इसे कौन साफ करेगा? हम नहीं करेंगे। मामा मामी हम करेंगे ना, हम रोज आके काम कर देंगे लालू का। देख कुंदन, तू आज तो बोल रहा है, एक दो दिन आएगा भी, उसके बाद क्या, कौन करेगा इसका? हम करेंगे ना मामी। देखिए हमने अपना रुमाल भी बांधा है लालू पर, रख लीजिए इसको प्लीज। सर हम एक सुबह पहुंचे लालू के लिए खाना लेके, लेकिन वहां पे लालू नहीं था। लेकिन आप लालू को पहलवान को काहे दे दिए? तुम क्या बोले थे हमको, रोज आके टट्टी पेशाब साफ करोगे उसका? दो दिन हो गए तुम नहीं आए। अरे पूरा आंगन बदबू से भर गया था। वो तो शुक्र मना पहलवान का, उसको लालू पसंद आ गया तो लेके चला गया वो। अरे सर पहलवान से हम रोज लड़े, हम वहाँ रोज जाते थे और वो रोज यही बात बोलता था कि लालू नहीं है। सर अभी तक हमको हमारा लालू नहीं मिला। और इस पहलवान ने लालू के बदले तुझे ये फोन दिया? जी सर। अरे हद है साहब, वो पागल कुंदन झूठ बोल रहा है। पहलवान सिंह वो झूठ बोल रहा है या तुम? हमारा जो अखाड़ा होता है ना हवालात, वहाँ पे सारा सच निकल जाता है। ओ साहब हम पूछते नहीं पहलवान है, पूरे गांव में इज्जत है हमारी, आज तक कोई गलत काम नहीं किए हैं। और हम किसी मुकेश कनौजिया को नहीं जानते। वो कुंदन, अरे साहब उसका स्क्रू ढीला है, बकवास कर रहा है वो, हम काहे कुत्ते के बदले फोन देंगे उसको? ले चलो। हमारी गांव में इज्जत है साहब, हमारी बात तो सुनिए। साहब हम कोई फोन वोन नहीं दिए हैं। ए कुंदन झूठ काहे बोल रहा है बे? सर ये झूठ बोल रहे हैं, यही हमको फोन दिया है सर। एक एक खड्डी तोड़ देंगे कुत्ते। पहलवान ठंड रख ठंड, ये तेरा अखाड़ा नहीं हमारा पुलिस स्टेशन है। माफ कीजिए साहब, लेकिन इसका कुछ कीजिए साहब, ये सर फिरा झूठ मूठ हमें फंसा रहा है। कब से मेरा कुत्ता ढूंढो करके हमें परेशान कर रहा है। और तूने वो परेशानी मिटा दी, खुद लाठी से मुकेश के सर पे वार किया था ना, सिर्फ एक मोबाइल के लिए? अरे नहीं साहब, हम पहले ही बता चुके हैं, हम किसी मुकेश कनौजिया को नहीं जानते हैं। सर वन सेकेंड। सर पूरन से बात हुई, तहसील ऑफिस में दिनेश से भी बात हुई, मुकेश का इस पहलवान से कभी कोई कनेक्शन रहा ही नहीं। तो ये निशा ने तो उसे सुपारी नहीं दी? सर निशा और उसकी फैमिली के भी फोन रिकॉर्ड चेक किए, उनसे भी इस पहलवान का कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा। साहब आप सारे पुलिस रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, हमारे खानदान से पूरे अखाड़े से एक भी आदमी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, इसका है। और इस मेंटल को रत्नापुर की पुलिस ने पहले भी अरेस्ट किया था, पूछे इसके घर वालों से। कुंदन इससे पहले गिरफ्तार हो चुका है? हाँ जी, हमने इस कुंदन तिवारी को अप्रैल 2016 को गिरफ्तार किया था। और चार्ज क्या था? रानीसा पुलिस का वांटेड बंदा था ये, इसने रानीसा रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब थ्रेट दिया था। सत श्रीकाल जी, गुरु स्वीट्स। 15 मिनट है तेरे पास, बचाने का मौका दे रहा हूँ। रानी सर रेलवे स्टेशन जा और रोक सके तो रोक ले बॉम्ब को फटने से। क्यों कुंदन, क्यों? तू जानता है कितनी तकलीफ हुई यहाँ की पुलिस को और पब्लिक को, कितना नुकसान उठाना पड़ा रेलवे को? तू बोलेगा या फिर डंडे से बुलवाऊँ मैं? सर हम तो ऐसे ही देख लिए थे मिठाई दुकान का नंबर, हमको लगा कि नंबर है तो बात कर लेते हैं, घुमा दिए नंबर। स्टेशन पर बॉम्ब होने की धमकी को तो बात करना कहता है, हाँ? बात होती है? रानी सर की पुलिस ने इसकी जमकर धुनाई की थी और बाद में सख्त वार्निंग के साथ छोड़ दिया था। गीता ये मोबाइल फोन तुम्हारे कुंदन भैया के पास कब से था, सच बताना। सर हमें नहीं पता, कुछ महीनों से शायद। दरअसल कुंदन भैया हमारा फोन घुमा दिए थे, जिसके बाद हमने उन पर बहुत चिल्लाया था। अरे हमको तो गेम खेलना था और हमारे पास फोन है ही नहीं। भैया आपको फोन नहीं दिया गया है, जानते काहे? क्योंकि आप ना टाइम पास के लिए वो बम फटने वाले फोन ही घुमाते हैं, याद है ना आपको? पुलिस ने चेतावनी दी है, अगर अब की बार आपने ऐसी कोई हरकत की तो आपके साथ साथ पापा को भी अरेस्ट कर देंगे। अरे लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है। 4 महीने पहले की बात है भैया, अब आप क्या करेंगे कैसे करेंगे हमको कुछ नहीं पता, पर हमको हमारा फोन चाहिए बस। घुमा दिए है ना तो ढूंढ के लाइए, पर लाइए। सर इतना जोर से चिल्लाई हम पर, बहुत गुस्सा आ गया था हमको। एक तो उम्र में छोटी है हमसे गीता, ऊपर से ऐसे थे। सर आप ही बताइए ऐसे चिल्लाना सही है?
कुंदन तुझे फोन कहां से मिला? और दूसरे दिन ही कुंदन भैया हमको ये फोन लाके दे दिए। ये लो फोन। इतना सस्ता फोन? आप ही रखिए इसे, हमारा स्मार्टफोन था, हमें वही चाहिए। खुद तो स्मार्ट हो नहीं, स्मार्टफोन का कहाँ अचार डालोगी? रखना है रखो वरना भाड़ में जाओ। हे राम, अब समझ आ रहा है कि कहाँ से फोन उठा लाए होंगे वो। सर, हमें सच में ये फोन नहीं चाहिए था, लेकिन आज सुबह जब हमारा फोन खराब हो गया और हमें अर्जेंट था, इसलिए हमने ये फोन लिया। कुंदन, क्या वो ये आदमी था जिसे तूने मार डाला? सर, हमको तो खाली फोन चाहिए था और उसके हाथ में फोन था। सर, हमको लगा कोई तो आएगा जिसके पास फोन होगा, इसलिए हम वहां रुके रहे थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया साइकिल पर। ये आदमी आया था साइकिल पर? सर, हमको चेहरा तो याद नहीं है, क्योंकि सर हमको तो खाली फोन चाहिए था ना। तो सर, हमारा लग बहुत अच्छा था क्योंकि उसके हाथ में फोन था। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए कुंदन, ये आदमी वो था जो तू नहीं है। एक जिम्मेदार आदमी था, एक ईमानदार आदमी था। गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन अपने परिवार को, अपने होने वाले बच्चे को गरीबी से ऊपर उठा रहा था। इसकी बीवी एक बच्चे को दुनिया में लाने वाली है, लेकिन ये अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए जिंदा नहीं है। जानता है क्यों? क्योंकि तुझे इसका मोबाइल फोन चाहिए था। क्या कहें साहब, हम उसके बचपन को कभी समझ ही नहीं पाए। बचपना? ब्रिजनाथ जी, बॉम्ब की धमकी देना, एक आदमी को जान से मार देना सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए, ये बचपना नहीं है। ये बहुत ही क्रूर, स्वार्थी और विकृति के साथ किया गया संगीन जुर्म है। इसके लिए कानून आपके बेटे को कड़ी से कड़ी सजा देगा। कत्ल किया उसने? हमने तो हमेशा उसे अच्छी ही सीख देने की कोशिश की सर। जो जाहिर सी बात है, गई नहीं, उसके दिमाग में, दिल में। कभी आपने सोचा कि ये सीख क्यों नहीं जा रही है? कोई दीवार है उसके दिमाग में या दिल में, कोई मसला है? कभी वक्त बिताया उसके साथ ये जानने के लिए? लगता तो नहीं है। नतीजा आपके सामने है। पुलिस ने शक के चक्कर में कहाँ कहाँ खुरेद निकाला भाई। बाबूजी, हमने आपसे भले ही कहा हो कि हमें खुशी हुई थी दिल ही दिल में, लेकिन नहीं हुई थी। मुकेश अच्छे आदमी थे, बस बेकार में मारे गए। किसी के साथ ऐसा ना हो, दुश्मनों के साथ भी नहीं। एक आपसी रिश्ता, एक पुराने रिश्ते की खटास, एक कास्ट का एंगल, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक बाबा वाला एंगल, मतलब आधा दर्जन एंगल की बाल की खाल हुई और केस निकलता है एक अज्ञात आदमी द्वारा रैंडम किलिंग, वो भी सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए। जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है, वैसे एब्सर्ड की हद से भी ज्यादा एब्सर्ड केस मालूम होता है। इतना विचित्र, इतना बेहुदा, इतना एबनॉर्मल। किसी भी कारण के लिए जब कोई हत्या करता है तो एक तरीके से एबनॉर्मल ही है, क्योंकि हत्या नॉर्मल हो ही नहीं सकती। इस किस्म का बर्ताव एक सिग्नल देता है एबनॉर्मलिटी का, अजीब अंदर पनपने वाले गुस्से का, ऐसी हरकतों का जो दूसरों की नॉर्मल जिंदगी को डिस्टर्ब कर जाए। जब भी कोई बहुत छोटी चीज के लिए
बहुत बड़ी जिद पकड़ देता है तो उस मसले के साथ साथ उस व्यक्ति को भी संबोधित करना बहुत जरूरी होता है। इसमें की गई लापरवाही या देर बहुत महंगी साबित हो सकती है, ना सिर्फ उन एबनॉर्मल बर्ताव करने वाले लोगों के लिए बल्कि उन मासूम लोगों के लिए भी जिनका दूर दूर से उससे कोई वास्ता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है जो कतई होनी नहीं चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।